नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं यशदीप कौशिक यश, आपका अपना दोस्त, हमारा मंच यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। वैसे तो मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, परंतु मैं खुद इस खुशखबरी के कारण जश्न के माहौल में डूबा हुआ था और मुझे लगा शायद आप भी कहीं उसी माहौल में होंगे। और जब आदमी जश्न के माहौल में होता है तो एकाग्रचित नहीं होता और बात को सही ढंग से समझ नहीं पाता। परंतु अब मुझे लगता है कि आप उस माहौल से धीरे धीरे उभर आए होंगे और अब शायद मेरी बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तो मैं सीधे सीधे अपनी बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं और वो खुशखबरी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पास फेल के खेल में रोना मत तू यार, कि पास फेल के खेल में रोना मत तू यार, रात घनेरी हो भले भोर खड़ी उस पार। कि पास फेल के खेल में रोना मत तू यार, रात घनेरी हो भले भोर खड़ी उस पार, और भोर खड़ी उस पार न धीरज को तुम खोना, लगे रहो दिन रात बने आलू से सोना। और कह कौशिक कविराय अब मम्मी ना रहे उदास, कि कह कौशिक कविराय अब मम्मी ना रहे उदास, आखिर देर सवेर हुआ अपना पप्पू पास, आखिर देर सवेर हुआ अपना पप्पू पास। तो दोस्तों, यही थी वो खुशखबरी जो मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा था। और आपकी इस खुशी में और थोड़ा सा इजाफा करने के लिए एक छोटा सा प्रतिगीत इसी विषय को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो सुनिएगा सीधे सीधे, मैं ज़्यादा बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहता और आपको सीधे सीधे गीत से जोड़ता हूँ। आइए सुनिए और आनंद लीजिए, सिर्फ आनंद की दृष्टि से सुनिएगा। मैं न तो किसी पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ और न ही किसी नेता का पक्ष ले रहा हूँ और न ही किसी नेता या पार्टी के विपक्ष में हूँ। सिर्फ हास्य और आनंद की दृष्टि से इस गीत का आनंद लीजिएगा। लीजिए, मैं पेश करता हूँ। ओ देखो देखो यो कैसो सोट घुमायो, ओ देखो देखो यो कैसो सोट घुमायो, मम्मी को जी हर्षायो रे पप्पू हो गयो पास जी, ओ मारो ओ मारो ओ मारो फेंकू हो गयो क्यों उदास जी, ओ मारो फेंकू हो गयो क्यों उदास जी। ओ देखो देखो यो कैसो सोट घुमायो, मम्मी को जी हर्षायो रे पप्पू हो गयो पास जी, ओ मारो ओ मारो ओ मारो फेंकू हो गयो क्यों उदास जी। राजस्थान छत्तीसगढ़ एमपी सब में झंडो गाड़ दियो, राजस्थान छत्तीसगढ़ एमपी सब में पंजो गाड़ दियो, राजस्थान छत्तीसगढ़ एमपी सब में झंडो गाड़ दियो, कर्नाटक में भी जा कर के पल में खेल बिगाड़ दियो, कर्नाटक में भी जा कर के पल में खेल बिगाड़ दियो, भुआ भतीजा कोई नखीजा, भुआ भतीजा कोई नखीजा, खुद ही समर्थन दीजा, कई दिना में दस जन पथ महकायो, मम्मी को जी हर्षायो रे पप्पू हो गयो पास जी, उम्हारो उम्हारो फेंकू हो गयो क्यों उदास जी। ओ देखो देखो यो कैसो सोट घुमायो, मम्मी को जी हर्षायो रे पप्पू हो गयो पास जी, उम्हारो 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 फेंकू हो गयो क्यों उदास जी, उम्हारो फेंकू हो गयो क्यों उदास जी। खोटा सिक्का समझा था जिसको, खोटा सिक्का समझा था जिसको, आखिर में वो
चल निकला खोटा सिक्का समझा था जिसको। और अब आप देखिए, जब माँ बाप को लगता है कि उनकी औलाद धंधे सिर लग गई है, किसी काम धंधे में सेट हो गई है, तब माँ बाप की क्या इच्छा होती है, वो रखता हूँ आपके बीच में। आपसे जुड़ी हुई बात, आपकी बातें, आपको लगेगा कि हाँ यही होना चाहिए था कि खोटा सिक्का समझा था जिसको आखिर में वो चल निकला, खोटा सिक्का समझा था जिसको आखिर में वो चल निकला, जल्दी से इब ब्याह हो जावे मम्मी का फिर मन मचला, जल्दी से इब ब्याह हो जावे। और जब माँ बाप सोचते हैं कि उसके बच्चे की अब शादी हो जाए, घर में पोता पोतियों की किलकारियां गूंजे, तो अपने सभी रिश्तेदारों को, घर में बुजुर्गों को बताते हैं कि भाई हमारा लड़का या हमारी लड़की स्याना हो गया है, स्यानी हो गई है, अब उसके लिए कोई रिश्ता बताए। और रिश्ता बताने के लिए किससे आग्रह किया जा सकता है, आप खुद सोचिए कि कांग्रेस में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। और अगर मैंने उस व्यक्ति का नाम सही ले दिया हो तो फिर आप सभी का आशीर्वाद मिले कि खोटा सिक्का समझा था जिसको आखिर में वो चल निकला, जल्दी से इब ब्याह हो जावे मम्मी का फिर मन मचला, दिग्गी राजा जल्दी आजा, दिग्गी राजा जल्दी आजा, रिश्ता कोई सुझा जा, पोता पोती को सपनों सजायो, मम्मी को जी हर्षायो, रे पप्पू हो गयो पास जी, उम्हारो 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 फेंक हो गयो क्यों उदास जी, उम्हारो फेंक हो गयो क्यों उदास जी, ओहो पप्पू हो गयो है पास जी। तो दोस्तों, ये था वो खुशी का समाचार जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था। और अब हम ये भी जानना चाहते हैं, और शायद आप भी जानना चाहते होंगे, कि जो पप्पू लगातार पिछले कई वर्षों से फेल पर फेल होता हुआ जा रहा था, ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि वो पप्पू अचानक पास हो गया, तो उस बात को भी मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। और जो मैंने इस बात पर, इस मुद्दे पर रिसर्च की है, और जो तथ्य मैं निकाल करके लाया हूं, अगर आपको लगे कि वो कहीं सही हैं, तो फिर दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात, आपके मन की बात, मेरे द्वारा सब तक पहुंच पाए कि जनता को समझा किए जो हरदम ही फूल, कि जनता को समझा किए जो हरदम ही फूल, उनके दामन में भरे फिर जनता ने शूल, कि जनता को समझा किए जो हरदम ही फूल, उनके दामन में भरे फिर जनता ने शूल, और फिर जनता ने शूल चुभा कर खींच उतारी, सीधी कर दी चाल और छीनी सरदारी, और कह कौशिक कविराय झूठ जनता को खलता, जुमलों का यह खेल समझती है अब जनता, जुमलों का यह खेल समझती है अब जनता। और अब मैं एक गीत के माध्यम से उन कारणों पर आना चाहता हूं जिसके कारण आपको लगता है कि पप्पू पास हो गया। और अगर आपको लगे कि मैंने सही कारण गिनवाए हैं, तो फिर से आप सभी का आशीर्वाद मिले। आइए सीधे सीधे एक छोटे से गीत से और जोड़ता हूं, और फिर आपसे विदा लूंगा। यदि अच्छे दिन आ जाते, भव्य मंदिर बनवाते, किसानों की सुन पाते, और तेल के दाम घटाते, तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता। यदि अच्छे दिन आ जाते, किसानों की सुन पाते, भव्य मंदिर बनवाते,
और तेल के दाम घटाते तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता। ओ यदि काले धन का तुम पता लगाते, ओ यदि काले धन का कुछ पता लगाते, और सब खातों में लाखों डलवाते, और सब खातों में लाखों डलवाते, नोटबंदी भी ना होती और जीएसटी ना होती, नोटबंदी भी ना होती और जीएसटी ना होती, व्यापारी उदास न होता, तो पप्पू पास 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 न होता। यदि अच्छे दिन आ जाते किसानों की सुन पाते, भव्य मंदिर बनवाते और तेल के दाम घटाते, तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता। और अगला बंद पेश करता हूं कि यदि एक के बदले दस सिर ले आते, यही कहा था आपने कि यदि एक, परंतु आज भी मुझे दुख है कि रोज सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और हमारी सरकार अभी भी पहले की भांति लाचार और बेबस नजर आती है। कि यदि एक के बदले दस सिर ले आते, बजरंग बली को ना जात बताते, यदि एक के बदले दस सिर ले आते, बजरंग बली की ना जात बताते, बोल बचन ना होते वादे पूरे सारे होते, बोल बचन ना होते वादे पूरे सारे होते, और राम राज आ जाता तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता। और अंतिम बंदा आप लोगों के बीच में रखता हूं, और आपको लग रहा हो कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारा मन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के और कई तरह के कवि सम्मेलन और मुशायरे के, कविताओं और साहित्य से जुड़े, रंगमंच से जुड़े वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और लीजिए अंतिम बंद रखता हूं, तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता, केवल दलितों का ही न रोना रोते, केवल दलितों का ही न रोना रोते, महबूबा फे तुम यूं फिदा न होते, केवल दलितों का ही न रोना रोते, महबूबा पे तुम यूं फिदा न होते, कौन उंगली उठाता तुम्हें आंख दिखाता, कौन उंगली उठाता तुम्हें आंख दिखाता, आतंकवाद मिट जाता तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता। यदि अच्छे दिन आ जाते किसानों की सुन पाते, भव्य मंदिर बनवाते और तेल के दाम घटाते, तो पप्पू पास न होता, तो
तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता, तो पप्पू पास न होता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम अपने वीडियो की गुणवत्ता और विषयों के चयन में और सुधार कर सकें। और दोस्तों अब आपसे विदा लेने का समय हो चुका है, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्द ही अगले इसी तरह के किसी कार्यक्रम में। खुश रहिए, आबाद रहिए।